हाई प्रीस्टेस, काफी इंट्यूशन स्ट्रांग लग रहा है आपका मुझे। मे बी स्पिरिचुअलिटी से आप फिलहाल में ही कनेक्टेड हुए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विथ टेन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, मैं पहले आपकी अभी तक की सिचुएशन बता रही हूँ जो मुझे नजर आ रही है, फिर प्रेजेंट में बात करूंगी कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। अभी तक मुझे नजर आ रहा है और प्रेजेंट आपकी जो सिचुएशन है, आप किसी निगेटिविटी को डील करते करते ना थक चुके हैं। मतलब आपकी लाइफ में कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम से ऐसी निगेटिविटी चल रही थी कि आप उसमें इतना ज्यादा स्टक हो गए थे कि आपको अपना करियर, आपको अपनी पर्सनल लाइफ, आपको अपनी फैमिली नजर नहीं आती थी। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टक हो गए थे आप काफी टाइम से। बट आप इस वीक में मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। जितनी भी निगेटिविटी है, जितनी भी स्टक सिचुएशन है, आप उन सभी चीजों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आप भी अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, है ना। तो मे बी इस वीक में या पहले से आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड मुझे लग रहे हैं। कुछ लोग तो पहले से यहाँ पे कनेक्टेड लग रहे हैं, भगवान पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है। और जो नहीं करते तो मैं बोलूंगी, अगर आप अभी तक कनेक्ट नहीं हुए तो उनसे कनेक्शन बनाइए। जितनी भी आपकी स्टक सिचुएशन है, जितनी भी आपकी टेंशन है, निगेटिविटी है, या निगेटिव लोग हैं, या किसी ने आपको एंडिंग दी है, या कुछ निगेटिव किया है आपके साथ, सारी चीजें वर्कआउट होंगी, है ना। ये सारे जो दोनों जो कार्ड निकल के आए हैं ना, ये आपकी पास्ट एनर्जी और प्रेजेंट एनर्जी दोनों को डिफाइन कर रहे हैं। बट दीज आर नॉट योर फ्यूचर एनर्जी। ओके, आपकी ये फ्यूचर एनर्जी नहीं, आपकी प्रेजेंट एंड पास्ट एनर्जी आपकी ये टेन ऑफ सॉर्ड्स विद हैंगमैन। ठीक है, फ्यूचर एनर्जी आपकी यही है कि आप इन दोनों चीजों से मूव ऑन करके आगे बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, क्योंकि आप में हर वो क्वालिटी है जो एक पर्सन में रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके करियर रिलेटेड बात करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ करियर सही नहीं चल रहा है, तो उन्होंने सोचा है कि इस करियर को छोड़ के अब कोई नई अपॉर्चुनिटी देखी जाए, या आप उसी करियर में अपनी स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को चेंज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपकी जो फिलहाल अभी तक की जो स्ट्रेटजीज थी, जो प्लानिंग थी, वो वर्कआउट नहीं हुई, आपको उसमें सिर्फ निगेटिविटी ही मिली, या वो एज योर एक्सपेक्टेशंस वर्क नहीं की, है ना। वो जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है, जिस जॉब का आप सोच रहे थे वो वैसी जॉब अभी तक आपको नहीं मिली, है ना। बिजनेस का आपने सोचा हुआ था, वैसा बिजनेस आपका नहीं चला, या आपको एज योर एक्सपेक्टेशंस प्रॉफिट नहीं मिला। तो आपने सोचा है कि अब नए स्ट्रेटजीज, नई प्लानिंग करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं, इस वीक में आप जो भी काम करें, मैं एज अ सजेशन आपको बता रही हूं, अगर आप कोई बिजनेस में नई चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रायोरिटी पहले भगवान को दीजिए, उनसे अपना कनेक्शन बनाइए, फिर उनको साथ लेके चलिए। आपका पेंटिकल आपका ही है, आपका प्रॉफिट आपका है, कोई नहीं छीन सकता आपसे। आपकी बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, आ सकती है। कैसे आ सकती है, इट्स अप टू यू कि आप इन निगेटिव चीजों को पीछे छोड़ के कैसे आगे बढ़ते हैं और स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट होते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है तभी मैं इतना ज्यादा फोकस मेरा स्पिरिचुअलिटी पे है। अगर हाई प्रिस्टेस का कार्ड नहीं आता तो मैं आपसे मे बी एक बार ही बोलती कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए या भगवान से अपना कनेक्शन बनाइए, मैं बार बार नहीं बोलती आपसे। मेरा फोकस स्पिरिचुअलिटी पे इसी वजह से है क्योंकि ये कार्ड निकल गया है, क्योंकि आपको मे बी यूनिवर्स ऐसा गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अपने रास्ते से भटक गए हैं, तो वापस से अपने ट्रैक पे आइए। ठीक है, और मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पर्सनल लाइफ में आपको जिस भी पर्सन ने नेगेटिव सिचुएशन में आपको डाला है, काफी टाइम से आप उनके साथ स्टक चल रहे हैं, उस सिचुएशन में स्टक चल रहे हैं, आपका माइंड, आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा कम हो गए या स्टक हो गए हैं, तो अब आप इन सारी नेगेटिविटी से मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, और मैं बता दूं, आप इस वीक में एक अलग ही काइंड की पर्सनैलिटी आपको नजर आएगी। जो चीजें अभी तक आप अपनी लाइफ में नहीं कर पा रहे थे स्टकनेस की वजह से या नेगेटिविटी की वजह से, वो सारी चीजें आप पीछे छोड़ के अपने खुद पे ध्यान दे रहे हो, भगवान पे ध्यान लगा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दे रहे हो, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। तो आपको टेंशन नहीं लेना, अगर छोटा मोटा स्ट्रगल आता भी है ना तो आप उसको फेस करिए। जितना आप स्ट्रगल को फेस करेंगे आपकी क्वालिटी इंक्रीज ही होगी। ठीक है, तो स्ट्रगल करने से पीछे नहीं हटना है, कोई आता भी है ना तो आगे से तो इसमें अच्छे से अपने एफर्ट्स लगाने हैं 100%। ओके, अब देखते हैं आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में किंग ऑफ कप्स. ओके, किंग एंड क्वीन दोनों के कार्ड्स आ गए यहाँ पे. मैं एक बात बता दूं, आपके पार्टनर ने आपको एंडिंग तो जरूर दी है, बट वो अभी भी चाहते हैं कि आपके साथ उनकी न्यू बिगनिंग हो. देखिए, यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल और यहाँ आया है नाइन ऑफ पेंटिकल. यहाँ वो न्यू बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज देखते हैं जो एक पर्सन में होनी चाहिए. बस वो वेट कर रहे हैं कि आपके पास ऑफर लेके कैसे जाया जाए. वो भी अपना कप आपको ही ऑफर करना चाहते हैं. अगर आप उनका कप लेके बैठे हुए हैं, अभी तक उनका वेट कर रहे हैं, उनके ऑफर का वेट कर रहे हैं, तो वो भी सोच रहे हैं कि आपके पास ये ऑफर लेके, न्यू बिगनिंग लेके कैसे जाया जाए. ठीक है, मे बी कुछ लोगों ने इनके चारों तरफ कुछ बाउंड्रीज बना के रखी है कि वो उन बाउंड्रीज को ब्रेक करके आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड उनके यही चल रहा है कि न्यू बिगनिंग सिर्फ आपके साथ करनी है. देख रहे हो आप इस पर्सन को ना तीनों साइड से, किसने यहाँ पे न्यू बिगनिंग, आपको उनका पूरा ध्यान है तो आपके साइड है, कैसे आपके साथ नई शुरुआत की जाए, कैसे ये ग्रोथ सारी चीजें आपके साथ देखा जाए. आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, मैं थोड़ा सा डीप एनालिसिस करके आपको कार्ड्स का बता रही हूँ, मे बी आप इसको समझ पाए. यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, आप में वो सारी क्वालिटी है जो इनको चाहिए. आप फोकस्ड पर्सन है, जो इनको जिस टाइप का पर्सन चाहिए ना, फोकस्ड हो और एक इंडिपेंडेंट काइंड के पर्सन भी हो आप, तो ये सारी चीजें इनको आपकी अच्छी लगती हैं. ठीक है, और एक चीज और है यहाँ पे, आप मतलब खुद में ही इतना ज्यादा फुलफिल है ना कि आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं. आप अपने आप को काफी अच्छे से मेंटेन करे हुए हैं. आपका ध्यान पेंटिकल्स पे भी है, आपका ध्यान ग्रोथ पे भी है, फर्टिलिटी पे, मतलब सारी चीजें आप में 100% है मैं बोलूं तो. इनके साइड से और कार्ड्स निकालते, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन और मिलेगा वो एक्चुअली चाहते क्या है आपसे, क्या एक्शन ले सकते हैं. देखिए, डेविल, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, क्या तो भी कार्ड आए हैं. बॉटम में थ्री ऑफ पेंटिकल. मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोल सकती हूँ, यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही हैं कि आपके पार्टनर ने आपको कोल्ड शोल्डर क्यों दिया है. पहली सिचुएशन देखिए आप जरा, डेविल विथ सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नेगेटिव लोग, कुछ नेगेटिव एनर्जी इनके सराउंडिंग में है कि पर्सन ना नेगेटिव लोगों से पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं भी आपके पास आना चाहते हूँ, लेकिन इन लोगों ने ना नेगेटिव लोगों ने, नेगेटिव एनर्जी ने इनको घेर के रखा है. और यहाँ पहली सिचुएशन मैंने आपको बता दी कि नेगेटिव लोगों ने इनका मतलब घेर के रखा हुआ, नेगेटिव एनर्जी पूरी फैला के रखी है, तभी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं. दूसरी सिचुएशन तो यहाँ क्लियर नजर आ रही है कि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से वो आपको कोल्ड शोल्डर देखे गए हैं. थ्री ऑफ पेंटिकल विद फाइव ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल क्लियर एनर्जी है यहाँ पे. फिर थर्ड पार्टी हो चाहे कुछ हो, बट उनका ध्यान तो बस आप पे ही है. थर्ड पार्टी तो बिल्कुल साइडलाइन ही कर दिया इनने, जरूर इनके लाइफ में प्रेजेंट है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट आप देख रहे हो ना, मैं पहले ही कार्ड बता चुकी हूँ कि ये रिकनेक्ट आपसे होना चाहते हैं. अब तो मैं और कार्ड्स देखना चाहूंगी कि क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं इस वीक में, क्योंकि एक्शन रिलेटेड कोई भी कार्ड नहीं आया. पूरी सिचुएशन डिफाइन कर दी है आपके पार्टनर की, है ना, कार्ड्स ने. देख रहे हो यहां भी वेटिंग पीरियड है, करना चाहते हैं आपको ऑफर बट नहीं कर पा रहे हैं. डिवाइन टाइमिंग का मे बी वेट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हैं, या नेगेटिव लोगों ने जो इनको एनर्जी दे के रखी उनसे बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलने का वेट कर रहे हैं, तभी वो आपके पास कोई ऑफर लेके आ सकते हैं. वेटिंग पीरियड है अभी तो. मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि आपके साथ सारी चीजें हों, आपके साथ वो वापस से न्यू बिगनिंग कर पाए. बॉटम में फिर से न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है, एस ऑफ वॉन्ड्स का, मैं कह रही हूँ वापस से आपके साथ वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं. बहुत वेट कर लिया और वो राइट टाइम, सही टाइम का वेट कर रहे हैं, कब वो सही टाइम आएगा और वो आपके पास आएंगे, ये सारी चीजें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मैं कह रही हूँ ना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बैक ऑफ द माइंड सिर्फ आप ही चल रहे हो और कोई नहीं चल रहा है. तो आपके लिए मैं बोलूंगी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें होंगी पॉजिटिव वे में होंगी, बट जब ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, तभी सब सिचुएशन वर्कआउट होंगी. अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में. नाइट ऑफ वॉन्ड्स विथ एस ऑफ, एस के तीन तीन कार्ड आ गए हैं, मतलब न्यू बिगिनिंग तो 101% होगी, आज नहीं तो कल होगी ही होगी. हाँ, वर्ल्ड कार्ड आया है बॉटम में. इस नेगेटिव साइकिल का जैसे ही एंड होगा, वो आपके साइड पैशनेट तरीके से एक्शन लेके आएंगे. और एक्शन देखिए आप जरा, तीन तीन कार्ड निकल के आए हैं एस के, सारा रिकनेक्ट वो आपसे होंगे, वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं.
ठीक है, लेकिन उनको निगेटिव सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। ये उनके शायद मे बी कर्मा बोल सकते हैं या जो भी चीजें आप बोल सकते हैं, ये उनको फेस करनी पड़ेगी। जब वो ये सारी चीजों को फेस कर लेंगे तभी वो आपके पास आ पाएंगे।